आज के दौर की इस राजनीति में धर्म अहम हिस्सा बनता जा रहा है। हम विधानसभा चुनाव में धर्म की क्या भूमिका रहेगी, इस बात पर चर्चा करेंगे। हमारी विशेष रिपोर्ट में आज की बात इसी से जुड़ी हुई है, तो आइए हम देखते हैं हमारी विशेष रिपोर्ट दिनेश दसौंधी के साथ। नमस्कार, मैं हूँ दिनेश दसौंधी। आज एक बार फिर एक विशेष चर्चा और विशेष रिपोर्ट के साथ आप लोगों के बीच हाजिर हूँ। आज हम चर्चा करेंगे धर्म और राजनीति को लेकर। आजकल राजनीति का धर्म हिस्सा बन चुका है, यानी धर्म के बिना राजनीति अधूरी देखी जा रही है। चाहे कोई सा भी राजनीतिक दल हो, उन्होंने धर्म को अपनी राजनीति का हिस्सा एक बना लिया है। कोई जय श्री राम नारे का समर्थन करता है, जय श्री राम का नारा लगाता है, तो कोई जय श्री राम के नारे का विरोध करता है, विरोध जताता है। वहीं कोई अपनी जीत का जश्न जय बजरंग बली के नारे के साथ मनाता है। यानी कहीं ना कहीं धर्म अब राजनीति का हिस्सा बन चुका है। आज हम इसी विषय को लेकर चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि लोगों की इस पर क्या राय है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ व्यक्त विचार व्यक्ति के व्यक्तिगत विचार हैं, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम यहाँ किसी धर्म, जाति, संगठन और राजनीतिक दल और व्यक्ति का समर्थन नहीं करते और ना ही किसी का विरोध करते हैं। तो आइए हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। चर्चा में मेरे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस की ओर से रविशंकर पाटीदार जी और बीजेपी की ओर से सुरेश भाई परसे जी, जो पुराने आरएसएस वगैरह हिंदू संगठनों से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं रवि जी से प्रश्न पूछूंगा। रवि जी, धर्म का राजनीति में हस्तक्षेप होने लगा है, राजनीति एक तरीके से धर्म से पूरी तरह लिप्त हो चुकी है, आप क्या कहेंगे? देखिए, राजनीति ऐसी चीज है कि धर्म से उसे जुड़ना नहीं चाहिए, और उसके साथ साथ एक बात ये भी है कि जैसे कांग्रेस धर्म निरपेक्षता वाली बात करती है, सब धर्मों को मानती है, तो इस प्रकार जो है ना, ये धर्म का जो लेकर जो चलता है, ये जनता के लिए ठीक नहीं है। धर्म धर्म होता है। तो जैसे आप बोलते हो कि कांग्रेस धर्म निरपेक्षता की बात करती है, तो कर्नाटक विजय पे जय बजरंग बली का नारा भी तो कांग्रेस ही लगाती है। हाँ, ये बात आपने बहुत सही प्रश्न किया। ये क्या है कि बजरंग बली का नारा लगाने का मतलब उनका ये था कि जैसे भाजपा वाले बताते हैं कि भाई जैसे कि हिंदू वाली बात करते हैं, तो जैसे वहाँ पे कर्नाटक में कांग्रेस जीती, तो उन्होंने ये कहा कि भाई ये कांग्रेस की जीत इसलिए हुई है कि बजरंग बली ने ये जो इसका है अपना नाश किया है, मतलब अपने उसका भ्रष्टाचार का नाश किया है, इसलिए आप लोगों ने जय बजरंग बली का नारे लगाए। परसाई जी, आप क्या कहेंगे? धर्म राजनीति का हिस्सा बन चुकी है, धर्म के बगैर जीवन चल नहीं सकता, ऐसी बात नहीं है। और क्या है कि धर्म तो होगा तो भाई राजनीति में धर्म नहीं आएगा तो धर्म का मतलब क्या है? नहीं, पर अक्सर भाजपा पे आरोप रहता है। वो भाजपा छोड़ो, धर्म का मतलब क्या है? त्याग, तपस्या, सत्य, अहिंसा, ये धर्म है। धर्म क्या, आप पूजा पाठ करना, ये थोड़ी धर्म है। अब धर्म में सत्य नहीं होगा, त्याग नहीं होगा, तो उसका बजाय मतलब क्या निकलता है धर्म? तो उसमें राजनीति में धर्म नहीं आएगा तो राजनीति बेकार क्यों हो जाएगी? अच्छा, एक आरोप भाजपा पे लगता है कि भाजपा हिंदुत्व के मुद्दे पे एजेंडा बना के चलती है। ये हिंदुस्तान देश का नाम क्या है? हिंदुस्तान। तो हिंदुस्तान तो हिंदू का देश हुआ कि नहीं हुआ? अरे, बगैर धर्म के राजनीति चल नहीं सकती। अच्छा, अभी बताइए कि मध्य प्रदेश में इस बार किसकी सरकार बनेगी? बीजेपी की सरकार बनेगी। बीजेपी ऐसा कैसे? बीजेपी की सरकार, बीजेपी ने जो विधायक है यहाँ के भोजपुर और बालकृष्ण पाटीदार, उन्होंने बहुत काम करवाए, तालाब बनवाए, धर्मशाले बन, धर्मशाला वालों को पैसा दिया उन्होंने, पूरे एरिया में धर्मशाला बन गई। वो तालाब तुम्हारा पीने का तालाब देखो, उसमें आज पानी भयंकर है उसमें। अच्छा, तो जैसे मतलब आप प्रथम प्राथमिकता विधायक के रूप में, टिकट के रूप में किसको? बालकृष्ण पाटीदार। बालकृष्ण पाटीदार। रविशंकर पाटीदार जी, एक कांग्रेस मध्य प्रदेश में कहती है कि एक बार हम फिर से सरकार बनाएंगे, इस बार क्या हालात रहेंगे कांग्रेस के? देखिए, कांग्रेस जैसे बोल रही है वो सत्य है, जैसे सत्य है कि आज परिवर्तन की लहर है और आम आदमी, छोटा आदमी ये जो है ये चाह रहा है कि जैसे भाजपा में जो भी काम हुए हैं विकास के, तो उसमें भ्रष्टाचारी के सब भेंट चढ़ गए हुए हैं। सब अभी गांव में जाके देखो, आप भी उनमें रहो, आप भी जाके देखो उनमें गलियों की हालत देखो और गांव की हालत देखो। और एक भैया साहब ने अभी जैसे प्रश्न किया तालाब वाला, तो मैं कह रहा हूँ कांग्रेस के ज़माने में बड़े बड़े तालाबों का, एकदम बड़े बड़े तालाबों का निर्माण हुआ है, भाजपा ने ऐसा कोई एक भी तालाब बड़ा बनाया तो बता दे। पिपली तालाब तो बालकृष्ण पाटीदार की देन बताते हैं। पिपली वाली जो बात है
वो जो पानी लाने की जो नहर वाली बात है उसके लिए, बाकी जो बाकी के जो तालाब है बड़े बड़े जैसे रावलपुरा में, फिर अपने इधर अपना आंगनबाड़ी इधर बने, फिर ये दसंगा भगवान तक बड़े बड़े तालाब बनाए, इस टाइप के तालाब को भाजपा ने कोई एक भी नहीं बनाया। मतलब बड़ी योजनाएं नहीं है सर, ये क्या है कि जो झूठी योजनाएं थी सर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी हुई है सर। अच्छा, इस कारण आप मानते हैं कि भाजपा के शासनकाल में भ्रष्टाचार हुआ है? हाँ। भ्रष्टाचार के बारे में प्रधानमंत्री राजीव गांधी कहते थे कि वो वहाँ से एक रुपया भेजते हैं तो लगभग एक पैसा ही जनता तक पहुँचता है। भारतीय जनता पार्टी ने डीबीटी प्रणाली चालू की, हितग्राहियों के खाते में पैसे आने लगे हैं, तो भ्रष्टाचार उस समय ज़्यादा था अब हुआ? जो खाते में जो पैसे डालने वाली बात बता रहे हो ये अलग चीज़ है, लेकिन मैं जो निर्माण की बात कर रहा हूँ, जो गाँव में जो होते कार्य काम होते हैं वो, भाई शहरों में जो बड़े बड़े काम हो रहे हैं उनकी बात बता रहा हूँ कि वो जो एक रुपये का जो काम आता है उसके पहले से क्या कि इंजीनियर लोग 2 रुपये बना के भेजते हैं, उसके बावजूद भी वो 1 रुपये काम नहीं पूरा हो पाता वहाँ पे। अच्छा, मतलब अभी ठीक है और काम की बात कर। और एक बात ये भी है कि इसमें क्या कि भाजपा की सरकार जब तक रही तो पैसे वाले बन गया और गरीब गरीब हो गया। अच्छा, आप विधायक के रूप में किसको पहली पसंद मानते हैं? देखो, पहली पसंद क्या विधायक के लिए तो मैं ये कहूँगा कि अभी जैसे रोहित जोशी जी हैं, पूरे 5 साल से जैसे विधायक बने तब से वो क्या कि उन्हें घर बैठे नहीं हो। अच्छा, पूरी मेहनत कर रहे हैं, घर घर गांव गांव गली गली वो जा रहे हैं, और उनकी जो कमलनाथ जी की जो योजनाएं थी अभी उसकी जो निकाली है चुनाव के लिए, जैसे 500 रुपये टंकी देना, फिर महिलाओं को 1500 रुपये वाली जो बात चल रही है वो देना, ये चीज़ों का उन्होंने पूरी तरह से जो है ना ने पूरा करा है। पर सर जी, एक सबसे बड़ी बात आती है कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पे हमेशा विपक्ष कहता है कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में भ्रष्टाचार बढ़ा, जैसे पाटीदार जी ने भी भ्रष्टाचार नहीं होता। ये क्या है, आदमी के दिमाग को सोचने को है भ्रष्टाचार, आदमी कोई चीज क्या भ्रष्टाचार हो। आज सब मैं आपको बता रहा हूँ कि ये खातों में पैसे आ रहे उसमें कितना भ्रष्टाचार हो, कहाँ का भ्रष्टाचार हो गया। महिलाओं को खाते में पैसे आ रहे अभी, और वो 1 रुपया जमा करने के बाद में महिलाओं को 1000 रुपया अभी डल गए, बैलेंस में डल तो डल गया, तो इसमें भ्रष्टाचार कहाँ को, कोई भ्रष्टाचार नहीं होता। ये तो विधायक विपक्ष आरोप लगाता है तो लगाएगा। मतलब आप पूरे तरीके से आश्वस्त हैं कि इस बार बीजेपी की सरकार बिल्कुल आएगी, बीजेपी की सरकार आएगी, उसमें 2 मत है। क्या नाम है क्या? आपका नाम? रविशंकर पाटिल। ये थी हमारी आज की विशेष रिपोर्ट जिसमें हमने धर्म और अभी के राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा की। हमारे साथ रविशंकर पाटीदार जी कांग्रेस की ओर से जुड़े थे, सुरेश परसाई जी बीजेपी की ओर से जुड़े थे, दोनों ने ही बहुत बेबाकी से अपनी बात रखी। आगे एक ऐसी रिपोर्ट के साथ फिर से हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। कैमरा पर्सन दुर्गेश कुमार के साथ दिनेश दसौंधी, SW24 पुणे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।